तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल है आई। तो इसकी डेफिनेशन टेक्निकल चीज़ों को पढ़ने से पहले या डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम जरा फिर से एक बार वापस चलते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन हमेशा की तरह। तो लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो आपने एक चीज़ नोट की, कोई भी टॉपिक कराने से पहले मैं पहले ये चार्ट बना देता हूँ। वो रीज़न है, अगर मैं सिर्फ रोटेशन करवाऊँगा आपको लगेगा चैप्टर नहीं है। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो आप उसको कम से कम मैप कर सकते हो कि नहीं यार ये तो वैसे ही चल रहा है जैसे लीनियर की जगह रोटेशनल हो रहा है बस। तो आपको ना ईजी लगता है थोड़ा सा, मतलब मुझे ईजी लगता है इसको कंपेयर करके, ऐसे बोल लो। तो मैं फिर से शुरू हो जाता हूँ। तो अभी हमने, अगर हम वापस चलें लीनियर मोशन में, तो हमने एक टर्म की थी और उस टर्म का नाम क्या था, एनर्शिया। ठीक है, ये किया था। एनर्शिया क्या था? डेफिनेशन तो ये कहती है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की इनएबिलिटी है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, और अगर मोशन में है, लीनियर मोशन में है, कि लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन में रहेगी, सेम वेलोसिटी से जाएगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगा दी जाए, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज मेजर ऑफ एनर्शिया, तो आप क्या बोलेंगे? मास। जितना बड़ा मास होगा एनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। बात खत्म। अब आ जाते हैं एंगुलर मोशन में। एंगुलर मोशन में जब कोई टर्म बनती है, तो आपने एक चीज़ नोट की, एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट बार बार आ जाती है, मोमेंट ऑफ। इस चैप्टर में क्या टर्म यूज की? फोर्स। लीनियर मोशन में फोर्स। इस चैप्टर में रोटेशनल के अंदर हमने क्या यूज किया? मोमेंट ऑफ, ये टर्म लगा दी, फोर्स। तो देखो ना, फोर्स तो लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ लगाने से वो रोटेशनल कॉन्सेप्ट बन गया। और मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या रखा गया? टॉर्क। सही है। तो जब भी कोई टर्म मोमेंट ऑफ में, मोमेंट ऑफ लग जाता है, तो बॉडी यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन बन जाता है, वो कॉन्सेप्ट रोटेशनल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। मोमेंट ऑफ हटा दोगे तो वो कॉन्सेप्ट लीनियर का चला जाएगा फोर्स में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसी तरीके से हमने क्या स्टडी किया? एनर्शिया। और अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? क्या टर्म है? मोमेंट ऑफ एनर्शिया। आपने एक चीज नोट की फिर से, क्या टर्म आ गई? मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ का मतलब है फिर से रोटेशन मोशन का कॉन्सेप्ट है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एक डिफरेंस तो पक्का है, इसके अंदर बॉडी लीनियर मोशन में मूव करेगी और इसके अंदर बॉडी रोटेट करेगी, घूमेगी। सही है। मोमेंट ऑफ मतलब बॉडी घूमेगी इसमें। अब एनर्शिया की डेफिनेशन क्या थी? इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी, कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, लीनियर मोशन में है। कौन सी मोशन में है? लीनियर मोशन में है, तो लीनियर मोशन में ही रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए क्या नहीं लगाई जाती? फोर्स। सही। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनेबिलिटी है बॉडी की कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर एंगुलर मोशन में है, तो यहां पर लीनियर मोशन, तो यहां पर एंगुलर मोशन में घूम रही है तो घूमती रहेगी जब तक रोकने के लिए या चलाने के लिए क्या ना लगा दी जाए उसके ऊपर, फोर्स। नहीं, जो काम फोर्स करता है वो काम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स करता है, टॉर्क। जो काम उसे फोर्स करेगा चलाने या रोकने के लिए, वो काम घुमाने और रोकने के लिए क्या करेगा? टॉर्क। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट नहीं चल पड़ा? तो जो काम इसमें इनर्शिया करता है वो काम इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सही है। अब और मेजर डिफरेंस क्या है? चलो, ये तो डेफिनेशन है, ये तो एक मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई कि इसमें बॉडी लीनियर मोशन में है, इसमें बॉडी घूमेगी, ये समझ में आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया तो मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, तो क्या इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है? ना। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से मेजर किया जाता है, या दो चीज़ों का बना हुआ है। एक मास, मास ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है, मास से ये चेंज होता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? आपका 10 किलो मास दे दिया मैंने, किसी स्टूडेंट ने 10 किलो मास को सीधा ऐसे जोड़ दिया तार की तरह, उसने बोला देखो जी रॉड बन गई मेरी, तो
किसी ने गोल घुमा के जोड़ दिया, उसने कहा रिंग बन गई मेरी तो 10 किलो की, किसी ने ऐसे बिल्कुल स्फीयर बना दिया, 10 किलो का स्फीयर बन गया जी मेरा तो। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड कर 10 किलो का मास आपने कैसे यूज करना है, इसमें तो पॉइंट मास था, यहाँ पे शेप भी मैटर कर रही है, आपने उसको कैसे बनाया। तो जब आपने उसको अलग अलग शेप दी तो ये फैक्टर चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेले मास पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ शेप पे भी डिपेंड करता है। तो अगर 10 किलो का सिलेंडर होगा, 10 किलो का रिंग होगी, 10 का स्फेयर होगा, चाहे 10-10 केजी का है, इनर्शिया सबका सेम है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का डिफरेंट है, क्योंकि मास के साथ शेप चेंज हो रही है। तो पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में यहां पर मास के साथ शेप भी मैटर करेगी। क्लियर है यहां तक? अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इनर्शिया? तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आसान क्या है, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, 10 किलो का मास है वही इसका इनर्शिया, बात ही खत्म। हम तो इनर्शिया कैलकुलेट करते ही नहीं कभी भी, कभी क्वेश्चन सुने फाइंड इनर्शिया, क्योंकि वो तो 10 किलो का मास ही उसका इनर्शिया है, खत्म। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, 10 किलो का स्फीयर है उसका निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 10 किलो का रिंग है निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कैसे निकलेगा मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में करने के हवाले? तो अब वापस में डेफिनेशन में चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या एंगुलर मोशन, लीनियर नहीं एंगुलर मोशन बाय इट्सेल्फ। ठीक, कैसे निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर काम करते हैं, ये चीज बाद में पढ़ते हैं। रूल नंबर वन, पहला रूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी पॉइंट मास का निकालना है, पॉइंट मास समझ के बस एक पॉइंट है, बस कोई शेप ही नहीं है, कोई रिंग नहीं, कोई डिस्क नहीं, कुछ नहीं, एक हल्का सा पॉइंट है बस, कोई शेप नहीं। तो पॉइंट मास का अगर आपको निकालना है, उसका निकालने का तरीका क्या होगा? जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, आपको एक और चीज मुझे बतानी पड़ेगी आपको, जब मैं कहूंगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपको नहीं बतानी, मुझे बतानी है, और वो है एक्सिस। कि अगर ये पॉइंट मास इस एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के आसपास घूम रहे, ये मैं बताऊंगा आपको, और आपको ये भी दूंगा कि इस एक्सिस से इस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? एम इंटू आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो पहला फॉर्मूला, सिंबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई होता है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। अब सोचो अगर ये पॉइंट मास ज्यादा दूरी पे है आई बढ़ जाएगा, कम दूरी पे है आई कम हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है आई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो मेरे को आपको यह भी बताना पड़ेगा ना कि एक्सिस कहां पर है, किस एक्सिस के अबाउट आपको आई बताना है। अगर एक्सिस मैंने कहीं शिफ्ट कर दिया तो भी आर की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, तो आपका आई भी चेंज हो जाएगा। तो पहला रूल क्लियर है। अब किसी ने कहा सर आप तो एक पॉइंट मास का निकाल रहे, चलो याद कर लिया, मेरे पास तो 10 मासेज हैं, एम वन भी है, एम टू भी, एम थ्री, एम फोर, कुछ इस तरीके से। ये देखो वो कह रहे हैं मेरे पास ये रहा, एक मास एम वन है, पॉइंट मास है, एक मास एम टू है, एक मास एम थ्री है, एक मास एम फोर है, एंड सो ऑन, और ये एक्सिस है। अब मैंने कहा देख इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से आर वन है, इसका आर टू है, आर थ्री है, आर फोर है, और सब रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक पॉइंट मास का आई निकालना आता है आपको। क्या है? फर्स्ट पॉइंट मास का एम वन आर वन स्क्वायर, दूसरे पॉइंट मास का एम टू आर टू स्क्वायर, तीसरे का एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, चौथे का एम फोर आर फोर। ऐसे अगर एन पार्टिकल्स होते तो ये रिजल्ट कहाँ तक जाता? एम एन आर एन स्क्वायर। और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, शुक्र है, कोई वेक्टर नहीं, कोई इसको इसको कैंसिल करेगा कुछ नहीं, कोई कॉम्पोनेंट नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म। क्लियर है? तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक्सिस के अबाउट उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, वो चाहे घूम भी ना रहे, जरूरी नहीं कि बॉडी घूमेगी तो ही आया आएगा, नहीं घूम रही तो भी कोई बात नहीं, आप डिस्टेंस बता दो क्या होगा उसका, आर वन आर टू आर थ्री, मैं एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर करके आपको आई की वैल्यू बता दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट मासेस का समझ में आ गया कैसे होगा, लेकिन हमारी जो बॉडीज हैं प्रैक्टिकल, वो पॉइंट मास तो होती नहीं, रिंग है पॉइंट मास थोड़ी ना, रिंग में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो रिंग के सर्कमफ्रेंस पे, डिस्क में बहुत सारे मासेज हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, अब इनका आई कैसे निकलेगा ये अगला टॉपिक है। तो पॉइंट मास का तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मास का याद कर लिया फॉर्मूला, अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंट शेप्स का आई क्या होगा, उसमें से पहली शेप क्या है,
रिंग, तो हम रिंग से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।